मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं कुदरत टीवी। यहां से अडयाला जो है जेल के सामने से आपके साथ मुखातिब हूं। यहां एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूं। अब से कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब की यहां पे समाअत 10:30 बजे करीब स्टार्ट होना थी, और समाअत कुछ ही टाइम पहले यहां से एक बम बरामद हुआ। अभी देख सकते हैं सिक्योरिटी की बहुत सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। ग्रुप की सूरत में सिक्योरिटी को यहाँ पर मामूर कर दिया गया, और यहाँ पर डू नॉट क्रॉस की लाइन्स लगा दी गई हैं, और जो है वक्त वक्त यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की जो है नकल हरकत सामने आना शुरू हो गई है। और वजह क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से कुछ ही फीट के फासले पर यहाँ से एक बहुत बड़ा बारूदी बम जो है यहाँ से बरामद हुआ है, और यहाँ पे सिक्योरिटी ने इस साइड पे ये जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पे बम लाकर इसको नकारा कर दिया गया है। अब तक बम को नकारा कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ATS के जो है टीम्स, और उसके अलावा Rescue 111 की टीम्स, और ये सारी टीम्स यहाँ पे पहुँची हैं, और टाइम से यहाँ पे बम को नकारा कर दिया गया। ये आपको दिखाते हैं मनाजिर जहाँ पे इस वक्त यहाँ पे डू नॉट क्रॉस की लाइंस भी लगा दी गई हैं, और बम को जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट्स लगाई गई हैं। Rescue 112 के अहलकार भी आपको नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पे नीचे ऑपरेशनल एरियाज़ में जहाँ पे बम को जो है नकारा किया गया, वहाँ पे भी आपको नकल और हरकत नज़र आ रही है। ये लाइन लगा दी गई है। बम यहाँ पे कहाँ किस वजह से आया, जैसे कि पहले भी कशा जाहिर किया जा चुके हैं PTI की लीडरशिप की तरफ से, और इमरान खान की खुद अपनी तरफ से भी ये कहा गया कि मुझे सिक्योरिटी की बहुत खदशात हैं। इस वजह से अभी स्कूल बोर्ड पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले तजवीज़ जाहिर की है कि नैब केसेस के हवाले से इमरान खान साहब को खुद नैब में पेश किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया जाए। अभी उनका पेशी की तरफ जो है लाअमल तय करना था, सिक्योरिटी को जो है मुतहरिक करना था, अलर्ट करना था। उससे पहले यहाँ पे आज सैफर केस की समाअत थी अडयाला जेल में, और उससे समाअत स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले यहाँ पे बम बरामद हुआ। ये बम कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब कहना कबल वक्तों का। बहरहाल सिक्योरिटी जो है ATS का स्क्वाड है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, Rescue 112, पंजाब पुलिस की जो टीम्स हैं यहाँ पे पहुँची हैं, और यहाँ पे फौरन ऑपरेशन करते हुए बम को जो है डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले करके बम को नकारा कर दिया गया। ये आपको नज़र आ रहे हैं Rescue 112 की टीम्स भी यहाँ पे पहुँच चुकी, जो कि हमेशा से जो है अलर्ट रहती हैं, और हमेशा किसी भी नागहानी आफत के हादसा के पेश नज़र जो है उनके निबड़ने के लिए हरदम तैयार होती है। ये आपको नज़र आ रही है, ये सामने अडयाला जेल है। अडयाला जेल के बिल्कुल सामने यहाँ से कुछ ही फीट के फासले पर जो है आपको यहाँ से एक बम बरामद हुआ है। काफ़ी हैवी किस्म का बम जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी हैवी मवाद का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बारूद शामिल किया गया था, बम था। यहाँ से कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की नकल हरकत को काफ़ी अलर्ट देखी गई है, और उसके बाद यहाँ से कुछ ही देर टाइम पहले यहाँ पे एक बम मिला है, और बम को यहाँ से अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा कर दिया। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।